कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 125 दिन पूरे हो गए, लेकिन किसानों की समस्याओं का कोई समाधान अब तक नहीं निकला। यही वजह है कि किसान अब इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए हर दिन कोई न कोई योजना बना रहे हैं। इसी क्रम में अब किसानों ने एक नया प्लान बना लिया है। तो क्या है किसानों का नया प्लान, आइए देखते हैं इस खबर में। पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े 3 कानून लागू किए थे। इन्हीं 3 कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान और सरकार के बीच 11 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे और MSP पर गारंटी का कानून लेकर आए, लेकिन सरकार का कहना है कि वो कानूनों को वापस नहीं ले सकती। अगर किसान चाहते हैं तो उनके हिसाब से इसका संशोधन किए जा सकते हैं। किसान अपनी मांगे मनवाए बगैर घर वापस जाने को तैयार नहीं, बल्कि लगातार नई नई योजनाएं बना रहे हैं। अब अपनी योजनाओं के तहत किसान संसद की तरफ भी कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि संसद में किसान का प्रदर्शन करेंगे, इसकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन किसानों का कहना है कि मई के पहले पखवाड़े में संसद की तरफ कूच किया जाएगा। मतलब साफ है कि किसान अब सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक संसद कूच के दौरान उनके साथ महिलाएं, बेरोजगार युवा सहित समाज का हर तबका शामिल होगा। ये कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। जिस दिन संसद पर प्रदर्शन किया जाएगा, उस दिन किसान अपने गांव शहरों से दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचेंगे। इसके बाद दिल्ली की कई सीमाओं तक पैदल मार्च किया जाएगा। ये सब मई के पहले पखवाड़े यानी 15 मई से पहले होगा। इसके अलावा किसान 5 अप्रैल को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI बचाव दिवस मनाए। इस दौरान देश भर के FCI दफ्तरों का घेराव होगा। 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए कुंडली मानेसर पलवल को ब्लॉक किया जाएगा। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार दिल्ली की सीमाओं पर ही मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। 1 मई को दिल्ली के बॉर्डर पर ही मजदूर दिवस मनाएंगे और इस दिन सभी कार्यक्रम मजदूर किसान एकता को समर्पित होंगे। किसान आंदोलन को जारी रखने के लिए जिस तरह पूरे जोर शोर के साथ अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उससे साफ है कि किसान किसी भी हाल में बातें मनवाए बगैर घर वापस नहीं जाएंगे। अब सरकार को देखना होगा कि वो किसानों की समस्या का समाधान कब करती है। DB लाइव की रिपोर्ट।